हु केयर्स एज ए लव, बहुत सारी चीज़ें इसके आस पास आती हैं। मतलब कि ये जब कहते हैं हु केयर्स एज इन लव, तो आप प्रिपरेशन को भूल जाते हैं, प्लानिंग को भूल जाते हैं, मोटिवेशन को भूल जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो थ्रू लव आप अचीव कर सकते हैं वो भूल जाते हैं। नमस्कार, हु केयर्स एज इन लव व्हेन माइंड स्टॉप्स वर्किंग। ये जो बकवास है, ये जो भाषणबाजी है, इसके आगे भी बहुत कुछ है भाई साहब। यो तीन चार नाम हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं कि वो एक मोहतरमा अभिनेत्री, अवार्डेड अभिनेत्री, क्या नाम था उनका, सुहासिनी मुले ने 60+ होकर के 65+ के से शादी करी, और सुष्मिता सेन जी अपना ललित मोदी जी के साथ आए हैं, ये 48-49 के हैं, वो 55-56-57 के जो भी उम्र हैं, ऐसे ही 50+ होकर के जो हमारा अपना मिलिंद सोमन है उसने शादी की, इन सब के बारे में जिक्र करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट अपने से 25 साल बड़ी औरत से शादी की, उनकी पत्नी ब्रिगेटी मैक्रोन। एक्चुअली जब वो 40 साल की थी ब्रिगेटी, तो 15 साल के इमैनुअल से मिली थी, और जब 57 साल की हुई या जब 40 साल के हुए इमैनुअल, तो उनसे शादी करी और वो जिंदगी निभा रही हैं। माने कि स्टूडेंट को पढ़ाना, देखना और फिर उसे राष्ट्रपति बनते देखना, उसके साथ जीना, ये फेमिनिज्म है। या दूसरी तरफ कहिए कि अपने से 25 साल बड़ी टीचर के प्रति अट्रैक्ट होना, अपने कैरियर को देखना, संभालना और उनसे शादी करना, ये मैन इज्म है। मतलब कि जब इमैनुअल मैक्रोन 15 साल के थे, तो उनकी पत्नी जो उनसे 25 साल बड़ी थी, उनकी बेटी भी थी 15 साल की, दोनों क्लास फेलो थे। समझ सकते हैं आप, इमैनुअल मैक्रोन के जो स्टेप सन है वो उनसे 2 साल बड़े हैं। Who cares as a love? बहुत सारी चीज़ें इसके आस पास आती हैं। मतलब कि ये जब कहते हैं who cares as in love, तो आप प्रिपरेशन को भूल जाते हैं, प्लानिंग को भूल जाते हैं, मोटिवेशन को भूल जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो थ्रू लव आप अचीव कर सकते हैं वो भूल जाते हैं। मैक्रोन साहब की जो बीवी थी 25 साल बड़ी, शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी, और जिस साल शादी की उसे ठीक 1 साल पहले उन्होंने तलाक दिया था। व्हेन इट इज डिसाइडेड दैट ओके फाइन हम शादी करेंगे इस आदमी से, 40 साल के आदमी से, जिसे उन्होंने शायद प्रेम किया होगा जब वो 15 साल का रहा होगा। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट की ये कहानी है। और वहाँ थोड़ा बहुत जब इधर आते हैं सुष्मिता सेन, ललित मोदी जी के ऊपर जब आते हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ मैं ये कन्फेस कर लूँ कि जो ललित मोदी जी हैं वो बूढ़े हैं, हमको तो पता ही नहीं था भाई, जब तक कि उन्होंने फोटो नहीं डाली। और फोटो तो डाली तो डाली, एकदम मतलब दाढ़ी मूंछ कटी हुई, चश्मा भी नहीं, बाल उड़े हुए और बूढ़े लग रहे हैं। उस आदमी को मैंने देखा था, टाई लगाए हुए, चश्मा पहने हुए, स्माइलिंग फेस, तो हमेशा जवान आदमी, वो बूढ़ा था हमको बाद में पता चला। एंड देन ही ऑल्सो पोस्ट एज, 2013 में वो 47 के थे, और तो जाहिर 10 साल हो गए हैं तो 57 के होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जाहिर है कि अब ये जो ललित मोदी जी हैं, जो प्रेम में हैं, डेटिंग कर रहे हैं, क्या पता शादी करें नहीं करें, लेकिन उनकी जो मतलब आप लोग, उनका जो दर्द है, उनकी जो फटी पड़ी होगी, उनको जो देश छोड़ना पड़ा, उनको जो अच्छा। और ललित मोदी जी की खास बात तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ही इज ए मैन हु हेल्प्स नीडी वुमेन, जिन औरतों को वाकई उनकी जरूरत होती है उनकी मदद करते हैं। उनकी पहली पत्नी की भी उन्होंने मदद ही की थी, पढ़ लीजिएगा, है ना, अभी उतना समय नहीं है कि उधर मैं भागूं। और सुष्मिता सेन अब कहते हैं कि यार खाई पाई दिस डैट हैंड टेन, उसको जवान लॉन्डो से प्यार था, फिर उसने गोद लिया था, फिर वो सफ़ेद बाल वाला जो अभी ये है ललित मोदी, उससे पहले उनके जिंदगी में कोई सफ़ेद बाल वाला भट्ट था ही दिस, सब बकवास है, बेकार है। जो रडार है उसके एरेना में जब कोई आता है, फिर सोचता है, विचारता है, इससे क्या हासिल होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कितना रोया गया, चीखा चिल्लाया, थुक्कम फज्जती की, और फिर जाकर के कोई मिला तो उसको एहसास हो रहा है कि जो मिला अच्छा मिला, बेहतर मिला। जीने दो भाई लो,
हाँ तो मैं कह रहा था कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक 60 साल का आदमी को एक छोड़ी देखी या औरत देखी धक्के से आई और गले मिल गई दोनों को प्रेम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। हु केयर्स एज इन लव वाली बात धूर्तता है, ये सोचना भी गुनाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। बताइए वो जो सुहासिनी थी और इंस्पिरेशन है बहुतों के लिए कि उन्होंने 60+ में, अतुल जी जो 65 के थे उनसे शादी करी, वो लिव इन में थी, नहीं जमा होगा। मैं आज जो मैक्टो कहते हैं मैन गोइंग देयर ओन वे, मैक्टो हमेशा से रहा है, लिव इन में थी बहुत देर से, उनके मर्द को जो उनके साथ लिव इन में थे उनको मजा नहीं आया होगा, बोला नहीं भैया शादी नहीं कर सकते, या इनको नहीं लगा होगा कि शादी करनी चाहिए, नहीं करी। अच्छा ये दिमाग की खोपड़ी में जो घुसा पड़ा है, शादी का मतलब हनीमून, बच्चे, दिस डैट और थुक्कम फजती और चीख चिल्लाट, उसे भाई दिमाग से निकाल दो। शादी का मतलब कि थुक्कम फजती तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है भाई साहब, उसे जो हासिल होता है औरतों को उधर भी तो देखो, पुरुष जो पूरी जिंदगी हासिल करते हैं इसलिए तो हासिल करते हैं। कहते हैं कि एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि भैया अच्छा पति मिले तो सोमवार का व्रत करो, दिस करो, दैट करो, और अच्छी पत्नी के लिए IIT करो, नीट करो, मीट करो, नौकरी करो, MBA करो, दिस करो, दैट करो। तो अलग अलग फंडे हैं भाई साहब कि आप कितना लुटा सकते हो, कितने आपकी बैंकिंग पावर है, कितना परचेजिंग पावर है, इसे पता चलता है कि आप कैसे मर्द हो, किस उम्र में हो, ये तो छोड़ ही दो। मिलिंद सोमन की भी बहुत चर्चा आई थी ना, फिटनेस अपने को लग, मतलब मुझे लगा कि सारी जिंदगी जो मिलिंद सोमन ने फिटनेस पे ध्यान दिया है, अपने को फिट रखा है, वो सिर्फ इसीलिए कि एक जमाना आएगा जब पहली शादी फेल होगी तो दूसरी जवान छोड़ी मिल जाएगी, फिटनेस है ना। और वो सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे फोटो पोस्ट करते रहते हैं कि उनको लगता है कि भैया वाकई ये मर्द आदमी है और ये फिट है, और चाहे औरत इसे कितनी भी छोटी को ना वो काम के लायक है, ठीक है। तो सुहासिनी सुले हो गए, मिलिंद सोमन हो गया, सुष्मिता सेन हो गई, और मैक्रोन हो गए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, 25, 30, 35, 40, 45, तो ठीक है उम्र है, जो करना करो, धक्के मारने को मारो, शादी करो, मरो जरो हटो, लेकिन 60, 65, 70, 75, 80, 85 के भी एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने शादी किए हैं और जहां उम्र मायने नहीं रखती है। और ये क्रेडिट किसको देना है, मैनिज्म को या फेमिनिज्म को? सोचना, तबाह कौन होता है, बर्बाद कौन होता है, फटती किसकी है, मतलब जिंदगी किसकी तबाह होती है। और ये कहना कि भैया इसके तो 36 रिलेशन पहले से थे, तो भैया 80 साल में पहला रिलेशनशिप होगा, 60 साल में पहला होगा, 45 साल में पहला होगा, अबे 20 साल में पहला ना होने का। तो आज जो हम ये बात करने के लिए आए हैं, सिर्फ यही कहने के लिए आए, जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, उसे इंस्पायर हुई है कि आपको बचना किस तरीके से है ना। ललित मोदी की एग्जाम्पल ले लें तो मुझे लगता है कि उनके पास तबाह होने के लिए, बर्बाद होने के लिए क्या है, है क्या, कहाँ है लाखों करोड़ों अरबों और IPL और दिस डैट हेन टेन। चलो सुष्मिता सेन मिले ही, वो भी तो डेटिंग कर रहे हैं, कुड बी मैरिड समडे नॉट, क्या मतलब है, चलो जिंदगी है, ऐसा करें, उनकी शर्तों पे शायद हो गई होगी, उनका उनकी जरूरत होगी, सुष्मिता की क्या जरूरत होगी, नहीं होगी, कौन जानता है, या मोहब्बत हो गई होगी, कहने को दिखाने को, मतलब हाथी के दांत और खाने के दांत, और है ना वो एक बार पढ़ा था लेंडर पेस के बारे में, पहली गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी आई, है ना, वो बच्चा जितना खेला है नहीं उससे ज्यादा औरतें बदली बर्बाद होता चला गया, आज कहाँ है मेरे को पता नहीं है। अब लोग जो देखते हैं उनके पास आते हैं कि पहली बीवी को इतने इतने दिए, इतने दिए, एक मकान दिया, अभी भी इसके पास ये मकान है। चर्चा बस इतनी सी है कि इंस्पिरेशन है मैनिज्म का, और वो भी इंस्पिरेशन है जो अपनी शर्तों पे औरतें हासिल करते हैं, वो भी इंस्पिरेशन है। कोई औरतें आप पर एहसान करती हैं, अगर ये बात कहीं दिमाग में है तो उसको इलाज करा लें। और वो जो सामाजिक मनोविज्ञान के पुरोधा थे जिन्होंने लिखा है कि एज डज नॉट मैटर इन लव, हु केयर्स एज इन लव व्हेन माइंड स्टॉप्स वर्किंग, ये बिल्कुल गलत है, हर तरीके से गलत है। माइंड वर्क फास्ट विथ ऑल द इंटेलिजेंस फॉर वुमेन रिलेशनशिप। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी को अपने तरीके
से जीने की कोशिश कीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, रिलेशनशिप से थोड़ा परहेज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं। वो जो घंटी है उसको बेल आइकन दबा दीजिए, आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। चलिए, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।